साथियों, आज कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप यहां ही देख रहे हैं कांग्रेस के दो नेता क्या कर रहे हैं। कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रही है। वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। ये क्यों लड़ रहे मालूम है? उनको मालूम है जनता तो बीजेपी को ही जिताने वाली है, फिर लड़ क्यों रहे हैं? वो लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले इसके लिए। ये कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए दो बेटों को बिठाने की लड़ाई चल रही है और मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कांग्रेस को कह रहे हैं, कार्यकर्ता हो तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता उसके कपड़े फाड़ो। जिनके लिए सिर्फ अपने बेटों का भविष्य ही प्राथमिकता है, वो आपके बेटे बेटियों का भला सोच ही नहीं सकते। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे पहुंचाया है। आज एमपी अन्न उत्पादन में अग्रणी है, आज एमपी स्वच्छता के मामले में अग्रणी है। दो दशक पहले एमपी में बिजली का बड़ा संकट रहता था, आज एमपी सरप्लस बिजली पैदा करता है। अब एमपी में पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। यहां सीधी में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एमपी की पहचान अब देश के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्य के रूप में होने लगी है। साथियों, कांग्रेस ने कैसा काम किया ये आज की नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। 2014 तक देश में 100 से अधिक जिलों पर कांग्रेस ने पिछड़े होने का टप्पा लगाया हुआ था। यहां एमपी के भी 8 ऐसे जिले थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित किया था। इनमें से अधिकतर आदिवासी बाहुल्य जिले थे, जिसमें हमारे सिंगरौली और दमोह जैसे जिले भी थे। 2014 में आपने दिल्ली में भाजपा सरकार बनाई, 10 साल में हमारा सेवा काल चला और इस सेवा काल में हमने कहा कि ये जिले अब पिछड़े नहीं रहेंगे, ये तो अब सबसे आगे चलेंगे। हमने इन जिलों को आकांक्षी घोषित किया, हर पैमाने पर इनके विकास के लिए काम शुरू किया। आज इनमें से अनेक जिले हर पहलू में देश के दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं।